subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुंबई मलाड में आज हमने बात की ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की मुंबई प्रदेश अध्यक्ष केसर आपा से। मलाड में एक 2.5 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी निर्माण लैब ने कोविड सस्पेक्ट रिपोर्ट दी थी, जिससे परिवार वाले सारी रात परेशान रहे। बच्चे को कोई हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं था कोविड की रिपोर्ट की वजह से, और जिन टेस्ट का 7,000 बिल होना चाहिए उनका 17,000 का बिल बनाया। प्राइवेट लैब और हॉस्पिटल की मनमानी के खिलाफ केसर आपा कंज्यूमर कोर्ट जाने की तैयारी में है, इसी पर हमने उनसे बात की। देखिए जीशान आजमी की रिपोर्ट। दर्शकों स्वागत है आपका न्यूज 13 जे इन में। इस समय मौजूद है केसर आपा के ऑफिस में, हम इनसे चर्चा करेंगे। जो अभी 2 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में 2.5-3 साल का बच्चा कार की जद में आ गया था, तो उसको उनके परिवार ने केयर हॉस्पिटल लेके गए थे, जहां से उनको सीटी स्कैन करने के लिए निर्माण हॉस्पिटल में भेजा गया था। और वहां पर वो सीटी स्कैन निकालते वक्त वहां पे जो डॉक्टर थे उन्होंने उसको कोविड संक्रमित लिख दिया था, जिसकी वजह से उन परिवार को रात भर धक्का खाना पड़ा, उनको 4 हॉस्पिटल ने लेने से मना कर दिया था। तो आइए हम बात करते हैं कैसर आपा से। कैसर आपा, आपका स्वागत है डिस्ट्रिक्ट जेल में। सबसे पहले आप अपनी जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम बताइए और आपका क्या उसमें पद है बताइए। मैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की मुंबई प्रेसिडेंट हूं और उसमें मैं काम कर रही हूं। मेरी संगठन द्वारा मेरी शिकायत है निर्माण से क्या तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से भी शिकायत है कि एक तो पहले ही हालात इतने ख़राब चल रहे हैं कोविड के नाम पे, लोग सिर्फ नाम सुन रहे हैं तो अगर आदमी को खांसी भी आ रही है, 4 लोग बैठे तो डर के नहीं खांसता है कि भाई कहीं मेरे को लोग उठा के ना ले जाएंगे। इस महामारी में ये बीमारी हो रही है या हो पता नहीं बीमारी में क्या हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर हो रहा है कि लोगों का जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। अब एक 2.5 साल के बच्चे के बारे में हमने जो कल वीडियो देखा और पता लगाया कि भाई वो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उसको पहले केयर हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने तो प्रिकॉशन के लिए उसने बोला कि भाई सारे ट्रीटमेंट करा लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी था, वो उस वक्त की ज़रूरत थी और वो ज़रूरत की मांग थी कि भाई इसका पूरा ट्रीटमेंट प्रिकॉशन ले लो और ये टेस्टिंग करवा लो। जब उन्होंने इनको निर्माण में भेजा तो निर्माण वाले ने कई घंटा उसको रखा वहाँ पे और 17,000 की बिल बनी। 17,000 की बिल बनाने के बाद आप उसमें एक शक का दायरा लगा दे रहे हो कि बच्चों को कोविड पॉजिटिव है। आप मुझे ये बताइए कि 2.5 साल के बच्चों को कोविड कैसे हो सकता है? आप मतलब अपनी दुकान चलाने के लिए किसी के भी जानमाल से खेल लोगे? कोविड संक्रमित बताया था कि उसको सस्पेक्टेड है। हाँ। और जो बिल उन्होंने लिया है उसका लगभग 7,000 रुपये होना चाहिए था, सीटी स्कैन था, एब्डोमेन टेस्ट था, तो डॉक्टर ने भी कहा था कि 7,000 रुपये होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने 17,000 रुपये लिया। अब ये एक बात सुनिए, हाँ ये खबर मुझे तक भी आई थी कि आपा मतलब जो पैथोलॉजी लैब वाले हैं उनके कुछ ज़्यादा ही मनमानी चल रही है, उनकी दादागिरी समझ लो। अगर अब आप चले गए तो समझ लेना वो छुरा लेके बैठे हैं आपको जबा करने के लिए। तो जो चीज़ की टेस्टिंग सिर्फ महज 7,000 थी, आपने 17,000 क्यों लिए? निर्माण वाले की शिकायत बहुत लोगों की मेरे पास आई है। अगर आप सही हो, मैं आपसे अलग ऐलान बोल रही हूँ निर्माण के जो CEO ऑफिसर जो भी हो, जो हैड है उनके, कि सर आप मुझे लिखित रूप में देंगे और आपको मुझे देना पड़ेगा क्योंकि कंज्यूमर से रिलेटेड हूं और कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर कोर्ट में आपको मैं घसीट सकती हूं। आप मुझे लिख कर बताना कि वो 17,000 की बिल किस किस चीज की बनी थी। सर आप जैसे न्यूज 13 वहां पे पहुंची थी तो वहां के जो सीईओ ठाकुर थे, वो जो बिनल ठाकुर बताया जा रहा था नाम, तो उन्होंने मीडिया से मिलने से इनकार किया था। फिर दूसरे दिन मिड डे से भी कॉल गया था उनको इंटरव्यू लेने के लिए, तो उनको भी साफ इनकार कर दिया गया था। तो अभी आप अपने कंज्यूमर सेल का जो ऑर्गेनाइज है उसके माध्यम से आप वहां पर जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगी, कंज्यूमर सेल के माध्यम से जाऊंगी, कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर कोर्ट में उनको घसीट कर भी लेके जाऊंगी। अगर वह प्रूफ नहीं कर पाते हैं मुझे कि 17,000 के बिल का मुझे एक एक रुपया आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ लगा, किस चीज का लगा और उस चीज की वैल्यू मार्केट में कितनी है और आपके लैब में उसकी वैल्यू कितनी है। आपने मीडिया वालों को डिनाई किया, आपने न्यूज 13 वालों को डिनाई किया, क्यों किया? क्या आपके दिल में चोर है कि आपके कहीं चोरी पकड़ी जाने वाली है? अगर आप सही हो तो बैठ जाओ ना कि आओ बैठो, मेरा रजिस्टर देखो, ये मेरे
बिल देखो, एमआरपी देखो, हमने कहाँ पे ज्यादा चार्जेस लगाए, और नहीं तो आपको एटलीस्ट कंज्यूमर को तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। और मैं बहुत जल्दी उनसे मिलने वाली हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 13 से बात करने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि आपके दिल में चोर है, आपने मीडिया से मिलने से इनकार किया, और जो आपने 17,000 रुपया पेशेंट से लिया, इसके बारे में जरूर कंज्यूमर सेल के ऑर्गेनाइजेशन कैसा आप जाएंगे उनको, अगर हो सके तो कंज्यूमर कोर्ट तक का उनको लेके जाएंगे। मैं कैमरामैन काशिफ के साथ जिशान आजमी, न्यूज 13, जय हिंद मुंबई।